everyone, welcome back to Learning English with your favorite spoken English channel N-Guru. जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, इस सेगमेंट में हम चीजों को डिस्क्राइब करना सीख रहे हैं. पिछले लेसन में हमने अपने बेस्ट फ्रेंड को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना सीखा, भूल तो नहीं गए आप? अगर ऐसा है तो ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके उसे फिर से देखना ना भूले. मैं हूँ आपकी टीचर तान्या और आज मैं आपके लिए एक और नया लेसन लेकर आई हूँ. आज के लेसन में हम छुट्टियों के बारे में बात करना सीखेंगे. छुट्टियों को हम इंग्लिश में हॉलीडेज या वेकेशंस भी कहते हैं. वी होप कि आज के लेसन के बाद आप अपने छुट्टियों के बारे में इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात कर सकेंगे. आगे पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. अगर हम बचपन की यादों की बात करें तो आई एम श्योर कि हम में से मैक्सिमम लोगों की बेस्ट मेमोरीज सर्दी या गर्मी की छुट्टियों के होंगे. इन वेकेशंस में ज्यादातर लोग बाहर घूमने जाते थे, कुछ लोग नई नई जगह देखने जाते थे और कुछ अपने नानी या दादी के घर जाते थे. आज के लेसन में हम इन्हीं हॉलीडेज को डिस्क्राइब करना सीखेंगे. चलिए दो दोस्तों के बीच एक कॉन्वर्सेशन देखते हैं. Where are you going for your vacations? I'm going to Shimla. Where are you going? I'm going to Ooty. What are you going to do there? I'm going to have lot of fun. I'm going to do trekking, go shopping and eat good food. Wow, that's exciting. What are you going to do in Ooty? I'm going to click a lot of photographs and stay in a nice hotel. Sounds great. हॉलीडेज या वेकेशंस के बारे में बात करने के लिए ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स देना आपको आना चाहिए. ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने इस कॉन्वर्सेशन में देखा. ये क्वेश्चंस हम विल या गोइंग टू दोनों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज और वेकेशंस, यानी आप छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं. वेयर विल यू गो फॉर योर हॉलीडेज और वेकेशंस, यानी आप छुट्टियों में कहाँ जाएंगे. व्हाट आर यू गोइंग टू डू देयर, यानी आप वहाँ क्या करने वाले हैं. व्हाट विल यू डू देयर, यानी वहाँ आप क्या करेंगे. विल और गोइंग टू दोनों की मीनिंग लगभग सेम है, पर एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं तब हमने उस चीज की प्लानिंग ऑलमोस्ट कर ली है, पर जब हम विल का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब हम अभी भी सोच ही रहे हैं. जब कोई हमसे ये पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसका जवाब देना तो बहुत ही आसान है, हमें बस उस जगह का नाम बताना है. जैसे वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, वी आर गोइंग टू राजस्थान, यानी हम राजस्थान जा रहे हैं. दूसरा प्रश्न ज्यादा इंटरेस्टिंग है. व्हाट विल यू डू देयर, इसका जवाब देने के लिए आप कुछ कॉमन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. गो ट्रैकिंग यानी ट्रैक पर जाना, गो शॉपिंग यानी शॉपिंग करने जाना, हैव फन या एंजॉय यानी मस्ती करना, डू साइट सीइंग यानी भ्रमण पर जाकर दर्शनीय स्थल देखना, ट्राई न्यू क्विजीन यानी नए तरह का खाना खाना, स्टे इन होटल यानी होटल में रहना, रिलैक्स यानी आराम करना, रीड अ बुक यानी किताब पढ़ना, मीट न्यू पीपल यानी नए लोगों से मिलना. चलिए अब हम ये देखते हैं कि इन फ्रेजेस का इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में कैसे कर सकते हैं. आई विल गो ट्रैकिंग विथ माई फ्रेंड्स, वी विल गो शॉपिंग ऑन अ हॉलीडे, वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन, We will do some sightseeing. I am going to try new cuisine. We will stay in a hotel. I am going to relax on my holiday. I will read a book. I am going to meet new people on my holiday. चलिए अब हम वो पहला कॉन्वर्सेशन एक बार फिर से सुनते हैं, बिकॉज आई एम श्योर कि इस बार आपको पूरी तरह से जरूर समझ आ जाएगा. Where are you going for your vacations? I'm going to Shimla. Where are you going? I'm going to Ooty. What are you going to do there? I'm going to have lot of fun. I'm going to do trekking, go shopping and eat good food. Wow, that's exciting. What are you going to do in Ooty? I'm going to click a lot of photographs and stay in a nice hotel. Sounds great. आई एम श्योर कि अगर आपसे अब कोई अपने हॉलीडे प्लान्स के बारे में पूछे तो आप उसका जवाब इंग्लिश में जरूर दे पाएंगे.
इसी के साथ हमारा आज का लेसन यही समाप्त होता है। आज हमने जो सीखा इसे अपने घर में अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ प्रैक्टिस करना ना भूलें। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ इन दो प्रश्नों के आंसर्स इंग्लिश में देने की प्रैक्टिस करें। फर्स्ट, वेयर आर यू गोइंग ऑन योर नेक्स्ट हॉलीडे? व्हाट विल यू डू देयर? सेकेंड, व्हाट इज योर ड्रीम वेकेशन? व्हाट विल यू डू? इस टॉपिक पर आपने आंसर्स लिख के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, हम उन पर फीडबैक जरूर देंगे। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक इंग्लिश प्रैक्टिस करने का कोई भी मौका ना छोड़ें। और हाँ, अगर आपने अब भी एनगुरु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो बहुत देर नहीं हुई है, जल्द ही प्ले स्टोर से एनगुरु स्पोकन इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करें।